हाय हेलो फ्रेंड्स, आशीष, कैसे आप क्या सब? हो आप रहा सबका है? मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, सुबह हो गई है और ठंड बहुत पड़ रही है। जितना कपड़ा पहनो उतना कम है। ऐसा लगता है जैसे हर दिन रोज ज़्यादा ठंड पड़ती बढ़ के। इतनी ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंड पिछले साल से भी ज़्यादा। तो दोस्तों, 3-4 दिन से कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तबीयत सही नहीं थी। तो आज हमने कैमरा उठाया है। तो सुबह सुबह आपको बाहर का मौसम दिखाएं। तो दोस्तों देखिए, हम पी रहे हैं गर्म पानी। आजकल गर्म पानी पे ही जिंदा हैं, तब भी खांसी जुकाम पीछा नहीं छोड़ रही है। तो दोस्तों, हम आ गए अपनी रसोई में। आज बनाएंगे मटर, गोभी और आलू की सब्जी। ये हमने सब काट लिया है और इसमें लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट बना लिया है। अब चलो चढ़ाते हैं कढ़ाई और बनाते हैं बढ़िया सी सब्जी। गाइज, हमने गैस को ऑन कर लिया है। अब हम इसमें तेल डालते हैं। तेल हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा आलू गोभी को फ्राई करेंगे। तेल हमारा गरम हो गया, अब हम इसमें डालेंगे गोभी। गोभी को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा करेंगे। देखिए हमारी गोभी कलर चेंज कर दी है, इसको निकाल लेते हैं। देखिए गोभी फ्राई हो गई। अब ऐसे ही हम आलू को भी डाल के फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे आलू भी फ्राई हो गए हैं, इसको निकाल लेते हैं। अब ऐसे ही सारे आलू को फ्राई कर ले। हमारी सारी आलू फ्राई हो गई। डालेंगे इसमें जीरा। और हींग डाल दे रही हूँ। जीरा चटक गया है, अब इसमें डालेंगे ये जो लहसुन अदरक मिर्च पीस रखा था, इसको पका लेंगे। लहसुन अदरक हमारा पक गया, हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर डालने के साथ ही पड़ता है नमक, ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। वैसे भी सर्दियों में टमाटर बहुत ठंडे रहते हैं, बहुत टाइम लेते हैं गलने में। तो हम मसाले भी डाल देते हैं, वो भी साथ के साथ पक जाए। ये लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर और ये धनिया गरम मसाला है। देखो मसाला हमारा पक गया है, अब हम इसमें डाल देते मटर को। मसाले से भूनेंगे, क्योंकि मटर को फ्राई नहीं किया था तो इसको भून लेते हैं थोड़ी देर। अब हम इसमें सब्जी भी डाल देंगे, आलू गोभी। ऐसे
से बनाने से सब्जी बहुत टेस्टी बनती है और हमारे घर में गोभी सब बहुत कम पसंद खाना करते हैं, खासकर बच्चे के पापा, तो इसीलिए इतनी शिद्दत करनी पड़ती है हमको। बच्चे तो हमारे खा लेते हैं, हमारे हस्बैंड जी कम पसंद करते हैं गोभी, इसलिए ऐसे बनाते हैं ताकि खा ले सब्जी। तो देखिए हमारी सब्जी भून गई मसाले में। आप चाहे तो इसको ऐसे सूखी बना सकते हैं और हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, इसमें पानी डाल देते हैं क्योंकि सब्जी खाना पसंद कम करते हैं, इसलिए थोड़ा ग्रेवी वाली बनाएंगे। डाल देंगे क्योंकि पहले हमने थोड़ा ही नमक डाला था। और इसको ढक देते हैं, ये बन जाएगी। ये बाबूजी हमारे चाय पी रहे, नहा धो के रेडी हो गए, चाय और टोस्ट खा रहे हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? ठंड में कैसे होंगे, जैसे आप कपड़े लत्ते पहन के बैठे हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं चाय पीने, चाय पी के फिर चेक करते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बनी है आलू मटर गोभी की सब्जी। और अब इसमें डाल देते हैं धनिया, अब बंद कर देते हैं इसको, बनाएंगे रोटी। तो दोस्तों हम नहा लिए हैं, बहुत ठंडा लग रहा है और मॉइस्चराइजर है ये, लगा लें, जुराब उराब पहन लें, बहुत ठंड लग रहा है, लग रहा है ये खत्म हो गया है। दोस्तों धूप नहीं निकली है जरा भी, 12:30 बज गए हैं, 12:30 बजे मैं काम से फुर्सत हुई हूँ, बहुत काम रहता है, कपड़े इतने होते हैं दिमाग खराब हो जाता है धोते धोते। तो अब जुराब उराब पहन वहन लें। तो दोस्तों ठंड में तो बाल धोने के लिए मत कहो, जिस दिन बाल धोते उस दिन और ठंड लगती है, पर धोना तो पड़ेगा ही, गंदे हो जाते हैं कंबल उम्बल में फंस के, और वैसे भी 3-4 दिन तो गंदे हो ही जाते हैं। हम नहा लिए हैं, बाल बाल झाड़ के तैयार हो गए हैं और चल रहे हैं खाना खाने। तो खाने में तो हमने आपको दिखाई थी सब्जी, आलू गोभी और मटर की सब्जी और रोटी और चावल बनाया था। तो दोस्तों ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।